हमारा आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ सिरप। सिरप के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है शुगर एंड शुगर सब्स्टिट्यूट। शुगर या फिर शुगर के कोई भी मुतबादल हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। तीसरा फ्लेवरेंट्स, कलरेंट्स, स्पेशल सॉल्वेंट्स, सॉल्बलाइजिंग एजेंट्स, थिकनर्स, स्टेबलाइजर्स। सबसे पहले कंपोनेंट शुगर, शुगर सब्स्टिट्यूट। शुगर में सुक्रोज जो आम टेबल शुगर है, जिसका आम कॉमन नाम टेबल शुगर या फिर चीनी, जो कि बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल होती है सिरप बनाने के लिए। लेकिन अगर सुक्रोज इस्तेमाल नहीं करना तो सुक्रोज के जो मुतबादिल हैं शुगर सब्स्टिट्यूट सॉर्बिटॉल, ग्लाइसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर चीनी इस्तेमाल नहीं करनी तो चीनी की जगह ये शुगर इस्तेमाल होंगी, ये शुगर के मुतबादिल हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, मसनूई जो मिठाई पाई जाती है, मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, ये जो नॉन शुगर हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कोई सिरप तैयार कर रहे हैं तो उनमें सुक्रोज इस्तेमाल नहीं होगी, उनकी जगह शुगर सब्स्टिट्यूट या फिर जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अब डाइल्यूट जो सोल्यूशन है, सुक्रोज है, चीनी है, उसका हमने डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया है, पतला सोल्यूशन बनाया है। पतला जो सोल्यूशन होगा स्पोर्ट्स माइक्रोबियल कंटामिनेशन, उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज है तो वो प्रिजर्वेटिव होगा, उसमें किसी किस्म की कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होगी। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज कितना होता है, 65% W/W या फिर इससे ज़्यादा। लेकिन अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशंस ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जिसमें मज़ीद सल्यूट हल करने की गुंजाइश नहीं होती। अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं सिरप बनाने के लिए तो उसमें चीनी की कलमें बन जाएंगी, चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। अब नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ जो सुक्रोज है वो इटसेल्फ एंटी माइक्रोबियल है, उसमें किसी किस्म की माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और वो जो माइक्रोब है बैक्टीरिया वगैरह है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर देता है। इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से उस बैक्टीरिया या फिर उस माइक्रोब के अंदर जो पानी होता है ये बाहर खींच लेंगे और जो माइक्रोब्स हैं वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मर जाते हैं। नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो माइक्रोब की कंटेमिनेशन से बचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब सिरप में कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल करते हैं जो कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को रोकता है। सबसे पहले बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की अब कितनी कंसंट्रेशन इस्तेमाल होती है, 0.12 0.2%। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट की भी 0.12 0.2% कंसंट्रेशन इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है फ्लेवरेंट्स। अब कुछ सिरप होते हैं, सिरप को फ्लेवर देने के लिए, जायका देने के लिए, बहुत ऐसे सिरप होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है, तो उसके टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए हम उनमें फ्लेवर डाल देते हैं। फ्लेवर या तो सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं या फिर नेचुरली फ्लेवर्स पाए जाते हैं, जैसे कि वोलेटाइल ऑयल, वेनिलीन। इसके अलावा कलरेंट्स, सिरप की शक्ल को अच्छा बनाने के लिए, सिरप दिखने में अच्छा लगे तो उसमें हम कलर्स डाल लेते हैं, जैसे कि ग्रीन विद मिंट। अगर कोई मिंट वाला सिरप बना रहे हैं तो उसको मिंट से मुशाबहत देने के लिए हम ग्रीन कलर डालेंगे। इसी तरह अगर कोई चॉकलेट वाला सिरप बना रहे हैं तो उसको चॉकलेट से मुशाबहत देने के लिए हम ब्राउन कलर डालेंगे। अब ये जो रंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिरप बनाने के लिए, ये रंग एक तो वाटर सॉल्युबल होने चाहिए। वाटर क्या, सॉल्वेंट है, हमारे सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होने चाहिए, दूसरा नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। सिरप के अंदर जितने भी और एजेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स हैं, फ्लेवरेंट्स हैं, शुगर है या फिर सॉल्बलाइजिंग एजेंट्स, सॉल्वेंट्स हैं, इनके साथ इनको नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, इनके
कलर्स का सिरप के अंदर मौजूद जितने भी और इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। कलर स्टेबल एट पीएच रेंज, अब सिरप की जितने भी पीएच होगी कलर जो है उस पीएच पे मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा कलर जो है स्टेबल अंडर लाइट, अगर लाइट के अंदर रोशनी के अंदर सिरप चला गया है तो भी उसका कलर गायब नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल ही हो। इसके अलावा जो आखिरी है मिसलेनियस एजेंट्स, मिसलेनियस एजेंट्स में स्पेशल सॉल्वेंट्स, सल्बलाइजिंग एजेंट्स, थिकनर्स, स्टेबलाइजर्स इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप, सिरप को हम किन तरीकों से तैयार करते हैं। पहला मेथड है सॉल्यूशन विद एड ऑफ हीट, मतलब हमने सॉल्वेंट लिया है, पहले प्रोसेस में हमने सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट लिया है और हमारा जो शुगर है शुगर लिया है, इनको अच्छी तरह से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इनको किसी कंटेनर में हीट प्रोवाइड की है। सॉल्यूशन विद एड ऑफ हीट, सॉल्वेंट प्लस शुगर, शुगर को पानी के अंदर हल करके उसको किसी कंटेनर के अंदर डाल के हीट देनी है। और जो दूसरा तरीका है सॉल्यूशन बाय एजिटेशन विदाउट हीट, अगर किसी कंटेनर के अंदर सॉल्वेंट शुगर डाल के उसको अच्छी तरह से हिलाना है, एजिटेट करना है तो हमारा सिरप तैयार हो जाएगा। तीसरा जो मेथड है एडिशन ऑफ सुक्रोज टू मेडिकेटेड लिक्विड, पहले से हमारे पास मेडिकेटेड लिक्विड मौजूद है जिसके अंदर मेडिसिनल एजेंट मौजूद है, हम सिर्फ उसके अंदर सुक्रोज डाल देंगे, सुक्रोज डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो चौथा मेथड है परकुलेशन मेथड, परकुलेशन मेथड में हमारा जो परकुलेटर होता है परकुलेटर के अपर चैम्बर के ऊपर हम चीनी रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सॉल्वेंट को उसके ऊपर से गुजारेंगे और जो नीचे वाला चैम्बर होगा वो खाली होगा। जैसे हम सॉल्वेंट उसके ऊपर से गुजारेंगे, मतलब ये हमारा अपर चैम्बर, यहाँ पे हमने अपना शुगर प्लेस कर दिया और जो नीचे वाला चैम्बर है ये खाली होगा। अब सॉल्वेंट जो होगा हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सॉल्वेंट ऊपर से चीनी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो ये सॉल्वेंट जो है शुगर सॉल्वेंट के साथ हल होके डिजॉल्व होके थोड़ी थोड़ी करके इस नीचे वाले चैम्बर में जमा हो जाएगी और इस तरह से हमारा सिरप तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टोरेज कंडीशंस, सिरप को वेल क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर होना चाहिए, ऐसा कंटेनर जो अच्छी तरह से बंद हो और इसकी जो स्टोरेज कंडीशन है जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।